पहले जय हिंद नगर शेखपेट का वहाँ पर रह रहे हैं। आज अंदाजा 2 बजे उन्होंने प्रेस के लिए जा रहा था, ये मिनी गुलशन की खाली जगह में ऑटो से पीछे से आके उनके ऊपर हमला किया है। तो रीजंस तो उन्होंने भी नहीं बता सक रहे अभी इस फेलो को, उसको हम पर अटैक होने के बाद में इमीडिएटली लोकल्स पूरे हेल्प करके उसमें हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, उन्होंने अंडर ट्रीटमेंट में है। वो इंजर्ड पर्सन बेसिकली प्रोफेसर जॉब करती है फोर्ट वुमेंस कॉलेज में, उसके साथ उसके भाई और उसका रिलेशन के साथ उन्होंने रियल एस्टेट बिजनेस भी कर रहे हैं। वो हम रियल एस्टेट बिजनेस के एंगल में भी इंक्वायरी शुरू हो रहे हैं। ये पर्सन्स को अप्रेंट करने के लिए अभी 3 टीम डिप्यूट करा है, वो पूरा कैमराज और उसका बैकग्राउंड पूरा वेरीफाई करके जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। अभी तो उनसे बातचीत भी करा है मगर अभी ट्रीटमेंट चल रहे हैं और ज़्यादा हम पूछ नहीं सके। फिर भी उनका पार्टनर्स कौन है, उनके फैमिली मेम्बर से भी डिटेल्स फर्दर ले लेके वो एंगल में भी करेंगे। उसका रियल एस्टेट बिजनेस है आजकल में, उन्होंने डिस्प्यूट में लैंड लिया नहीं लिया उसका भी एंगल पे तो पूछताछ करेंगे। उन्होंने फिलोकक तो जय हिंद नगर वही कॉलोनी शेखपेट में रह रहे, 3 महीने से वहाँ पर रह रहे। इससे पहले समता कॉलोनी में रहते थे। ये मिनी गुलशन में वो लाइन पे हुआ, उन्होंने बेसिकली नेटिव ऑफ कोहिर विलेज है, जहीराबाद एरिया। तो वो एरिया में भी उनका कोई दुश्मन है क्या, पूछताछ करना है, इंक्वायरी करने का है। दो अनजान आदमी खातिलाना हमला किए 2 बजे के टाइम पे मिनी गुलशन कॉलोनी के पास ऑटो में आए, अचानक सडन और बड़े बड़े चाकू लेकर खातिलाना हमला करना स्टार्ट कर दिए। काफ़ी तौर पे ज़ख्मी हो चुके हैं वो, उनका कंडीशन सीरियस है। और ये अल्लाह की मेहरबानी है कि वो अभी तक होश में है। वजह क्या है सर ये हमले की? वजह अभी तक मालूम पता नहीं। आपके वाले साहब क्या काम करते हैं? उस्मानिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में। रियल एस्टेट का बिजनेस भी करते जी? रियल एस्टेट का बिजनेस भी करते क्या? बिल्डर हैं। किसी की शक वगैरह आपके? नहीं, दुश्मनी आपके वाले साहब से नहीं, किसी की दुश्मनी इतनी ज़्यादा भी नहीं हो सकती कि किसी की जान ले जाए। जी क्या हुआ है? मिनी गुलशन कॉलोनी